हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल विकास मैथ एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करा दिया था। तो अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। प्रूव दैट 1 upon 1 plus x to the power a minus b plus 1 upon 1 plus x to the power b minus a equal to 1, मतलब LHS इतना लेकर IHS उतना लेना है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे taking LHS, पहले LHS को लेकर हमें क्या लेना है, RHS लेना है। तो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो LHS लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 upon 1 plus x to the power a minus b plus 1 upon 1 plus x to the power b minus a, ठीक है। अब देखिए क्या करिए, इसको क्या करिए, ये देखिए x to the power a minus b है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको ब्रेक करिए, ठीक है, ब्रेक करिए तो ये हो जाएगा 1 plus x to the power a upon x to the power b। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 1 upon 1 plus x to the power b upon x to the power a, ठीक है। अब इसको करेंगे तो फिर वही फॉर्म आ जाएगा, इसलिए हम ये करते हैं, कर रहे हैं कि दोनों का एलसीएम क्या आ जाए, सेम आ जाए, दोनों का एलसीएम क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एलसीएम लीजिए नीचे का, तो ये हो जाएगा आपका 1 upon xb x to the power b plus x to the power a upon x to the power b plus 1 upon x to the power a plus x to the power b upon x to the power a, ठीक है। अब देखिए ये मेन बटा हमारा ये है और ये मेन बटा ये है, तो ये क्या है, डिवीजन के फॉर्म में, तो क्या होता है, पलट जाता है, ठीक है। कभी फ्रैक्शन मेन बटा के नीचे फ्रैक्शन रहता है तो वो क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 upon, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 upon ये। अब देखिए ये क्या करेगा, ये ऊपर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा, मतलब इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं x to the power b upon x to the power a plus x to the power b, ठीक है। तब ये मल्टीप्लाई करेगा ये होल में आ जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे x to the power b upon x to the power b plus x to the power a, प्लस सेम इसी तरीके से ये भी हो जाएगा x to the power a upon x to the power a plus x to the power b। अब देखिए दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है, तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, सेम एडिशन हो जाएगा। तो एडिशन ये हो जाएगा आपका x to the power b plus x to the power a upon x to the power b plus x to the power a। अब ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1, ये आपका क्या आ गया RHS हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे hence proved। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ये है 1 upon 1 plus x to the power b minus a plus x to the power c minus a plus 1 upon 1 plus x to the power a minus b plus x to the power c minus b plus 1 upon 1 plus x to the power b minus c plus x to the power a minus c equal to 1, मतलब हमें LHS इतना लेकर RHS 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बाय टेकिंग LHS, यहाँ पे LHS हमने राइट कर दिया है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किए थे। पहले क्या करेंगे हम, ये जो b माइनस ए है इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन के फॉर्म में करेंगे, क्या करेंगे, डिवीजन के फॉर्म में, हर एक टर्म को क्या करेंगे, डिवीजन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे कि इसका एलसीएम क्या आ जाए, सेम बन जाए, बनने लायक हो सेम तो सेम बन जाएगा, ठीक है। तो हम पहले करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 upon 1 plus x to the power b upon x to the power a, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस x to the power c upon x to the power a। अब इसको लिखेंगे तो देखिए दोनों का बेस सेम है और डिवीजन में रहता है तो क्या होता है, वो इसका पावर सब्ट्रैक्शन हो जाता है, b माइनस a हो जाता है, तो यही आ जाएगा, कोई रिजल्ट में अंतर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 1 plus x to the power a upon x to the power b plus x to the power c upon x to the power b plus 1 upon 1 plus x to the power b upon x to the power c plus x to the power a
अपॉन एक्स टू द पावर सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आता है, जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स के पावर ए प्लस एक्स के पावर बी प्लस एक्स के पावर सी अपॉन एक्स के पावर ए। ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है वन, और इसका एलसीएम एक्स टू द पावर ए होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा तो ये आता है, ठीक है। प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर बी आएगा, प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर सी प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर सी आएगा। अब क्या होगा, देखिए मेन डिवीजन तो ये है, अब इसके पास तो क्या है, नीचे फ्रैक्शन है, तो ये क्या होता है पलट जाता है, मतलब एक्स टू द पावर ए ऊपर हो जाता है, ये नीचे हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इसको, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर सी प्लस एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी। अब देखिए तीनों का एलसीएम क्या हो गया, सेम हो गया, तीनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी अपॉन नीचे भी एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर भी सेम और डिनोमिनेटर भी सेम, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा वन, और यही क्या है आरएचएस, ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फोर का सेकंड, ऐसे हम क्या करते हैं प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है प्रूव डैट फर्स्ट वन प्लस बी प्लस सी अपॉन वन इनवर्स ए टू द पावर माइनस वन बी टू द पावर माइनस वन प्लस बी टू द पावर माइनस वन सी टू द पावर माइनस वन प्लस सी टू द पावर माइनस वन ए टू द पावर माइनस वन इक्वल टू ए बी सी। मतलब इसको क्या करना है, हमें प्रूव करना है कितना इक्वल टू इतना होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम एल एच एस को लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई टेकिंग एल एच एस, बाई टेकिंग एल एच एस, आपको इस तरीके से स्टेप लिखना पड़ेगा तभी क्या होता है एग्जाम में नंबर मिलता है, ठीक है। तो बाई टेकिंग एल एच एस आप ऐसे सॉल्व करिएगा ए प्लस बी प्लस सी ए इनवर्स बी इनवर्स बी टू द पावर माइनस वन सी टू द पावर माइनस वन सी टू द पावर माइनस वन और ए टू द पावर माइनस वन, ठीक है। ये एल एच एस दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम सोचते हैं कि इसका डिनोमीटर क्या आ जाए सेम आ जाए, डिनोमीटर क्या आ जाए सेम आ जाए, मतलब न्यूमरेटर की जैसे आ जाए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम सॉल्व किए थे। तो पहले क्या कर देंगे, इसका पावर पहले पॉजिटिव करेंगे, क्या करेंगे पहले पावर इसका पॉजिटिव करेंगे, तो पावर पॉजिटिव करिए क्या करेंगे इनवर्स में आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा वन अपॉन ए बी, इसी तरीके से वन अपॉन बी सी, इसी तरीके से वन अपॉन सी ए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे हम तो इसका एलसीएम आएगा वन अप, ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इसका ये हो जाएगा इसका, ये तो मेन बटा हो गया आपका। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा ए बी सी, कैसे आएगा देखिए ए ये बी, इसमें ए बी है बी सी है और सी ए है, मतलब देखिए बी दो बार बाय एक, बी भी क्या है दो बार है, ए भी क्या है दो बार बाय, सी भी क्या है दो बार है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक टर्म लेना था तीनों में से, तो एक एक टर्म ले लेंगे ए बी सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा ए बी सी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब इसको इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बचेगा सी बचेगा, बी सी को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो बी सी बी सी कैंसिल आउट जाएगा तो ए बचेगा, ये सी ए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या बी बचेगा, ठीक है ये बचेगा। अब ये क्या होता है फ्रैक्शन में मेन बटा का नीचे फ्रैक्शन में ये क्या होता है पलट जाता है, मतलब इस तरीके से होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बचेगा क्या यहाँ पे ए बी सी, और ये कितना है आर एच एस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड।
ऐसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो इसको क्या करिए, आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इसलिए कि ब्लैक बोर्ड छोटा है तो इसी में काम चलाना है हमें, ठीक है। देखिए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए टू द पावर माइनस वन प्लस बी टू द पावर माइनस वन टू द होल पावर माइनस वन इक्वल टू ए बी, ए इन टू बी है अपॉन ए प्लस बी है। तो पहले क्या करेंगे, हम ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रेकेट के जो अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद से सॉल्व वो पावर वाला मामला करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको पॉजिटिव करिए पावर को, तो वन अपॉन ए वन अपॉन बी टू द पावर माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा बाई टेकिंग एल एच एस, बाई टेकिंग एल एच एस, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब इसका एलसीएम लीजिए तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा। इससे ये कट डिवाइड, ये वाला क्या करता है, डिवाइड करता है, और जितना टाइम बचता है ऊपर क्या होता है, मल्टीप्लाई करता है। तो ये इससे डिवाइड करेंगे तो ए से एक आंसर हो जाएगा, बस बी बचेगा, तो बी इंटू वन बी आ जाएगा। इसी तरीके से इसी ये हो गया होगा। अब माइनस वन, अब पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ए बी अपॉन बी प्लस ए, यही तो प्रूफ करना था हमें आर एच एस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये है, इफ ए बी सी इक्वल टू वन सो डैट वन अपॉन वन प्लस ए प्लस बी प्लस बी टू द पावर माइनस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस बी प्लस सी टू द पावर माइनस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस सी प्लस ए टू द पावर माइनस वन इक्वल टू वन, ये हमें प्रूव करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एल एच एस साइड लेंगे, आर एच एस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा बाई टेकिंग एल एच एस, बाई टेकिंग एल एच एस, देन तो एल एच एस को लीजिए पहले यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले एल एच एस ये वाला टर्म को क्या करेंगे, एक बार उतार लेंगे, आप उतार लीजिएगा, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जब उतार लेंगे तो क्या होगा, ये बी टू द पावर माइनस वन, इस पावर को क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव करेंगे उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या आता है, वन अपॉन वन प्लस ए प्लस वन अपॉन बी हो जाएगा, पावर को पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस बी प्लस वन अपॉन सी हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस सी प्लस वन अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आता है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन ये बी हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, ये वन हो जाएगा अपॉन बी हो जाएगा। उसी तरीके से ये वन अपॉन सी प्लस बी सी प्लस वन, यहाँ पे हम बस एलसीएम लिए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा वन प्लस सी प्लस वन, यहाँ पर वन नहीं होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, अपॉन ये ए ए सी हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। अब क्या करिए, ये देखिए फ्रैक्शन, मेन बटा के नीचे क्या है, ये मेन बटा है, इसके नीचे फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब पलट जाता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका वन, ये हो जाएगा बी अपॉन बी ए बी प्लस वन, यहाँ पे हो जाएगा सी अपॉन सी प्लस बी सी प्लस वन प्लस ए अपॉन ए ए सी प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। इस देखिए यहाँ पे तीनों का क्या आ रहा है, तीनों का हमें यहाँ पे डिनोमेटर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। हमें क्या करना है, सेम करना है कि हम ऊपर का क्या कर सकें, एडिशन कर सकें, ठीक है, न्यूमरेटर का एडिशन कर सकें। जब डिनोमेटर सेम होगा तभी तो हम कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे गिवन हमें दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाइए, जगह नीचे कम है, यहाँ पर लिख दे रहा है गिवन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया, वन दिया है। तो यहाँ पे हमें सी सी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन ए बी हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ यहाँ पे क्या कर दें, हम पुट कर देंगे उसकी वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये बी अपॉन बी प्लस ए बी प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी की जगह पे यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन ए बी अपॉन वन अपॉन ए बी प्लस बी इंटू वन अपॉन ए बी प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे हमने सी का वैल्यू पुट किया वन अपॉन ए बी। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन ए प्लस ए इंटू वन अपॉन ए बी प्लस वन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे
तो ये आ जाएगा b प्लस ए बी प्लस वन, ये ऐसे उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाए, एक b से एक b कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा ए बी आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वन अपॉन ए बी डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपका एलसीएम, ये मेन बटा है, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा ए बी, ये हो जाएगा वन प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए है और ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे बी बचेगा। और ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, वन है, तो वन इंटू ए बी, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा ए अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा ए से ए कैंसिल आउट, ठीक है, एलसीएम बी होगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ए बी, ए बी प्लस ए। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, ए बी एलसीएम होगा, सॉरी बी बस एलसीएम होगा, यहाँ पे क्या बचेगा वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, बी इसका एलसीएम होगा, ठीक है, इसको हम सॉल्व किए हैं। अब ये देखिए ऊपर क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन बी प्लस ए बी प्लस वन प्लस वन प्लस, यहाँ पे जब ए बी को मल्टीप्लाई करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्या यहाँ पे वन लिख दे रहे हैं, ठीक है, जब ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या है, डिनोमेटर में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन अपॉन ए बी, या लिखते हैं यहाँ पे बी प्लस ए बी प्लस। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी अपॉन ए बी प्लस बी प्लस वन। अब देखिए तीनों का डिनोमेटर क्या हो गया, सेम हो गया, तीनों का डिनोमेटर सेम हो गया, तो हम इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस बी प्लस ए बी प्लस वन डिवाइडेड बाई बी प्लस ए बी प्लस वन। अब इसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आएगा क्या हो जाएगा, वन, और यही क्या आता है, हमें प्रूफ करना था वन, यही क्या हो गया आपका RHS। इस तरीके से हम क्या कर दें, इसको हम प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो ये रहा आपका को एक्सरसाइज 2.1, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो आपको लगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड जय हिंद।